हेलो बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन सिकल सेल एनेमिया इज ड्यू टू अब यहाँ पे हमें सिकल सेल के बारे में पूछा है और ऑप्शन दिए कि चेंज ऑफ अमीनो एसिड इन अल्फा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन या बीटा चेन या दोनों ही अल्फा और बीटा चेन या फिर इधर अल्फा चेन या बीटा चेन सो so, जो की कॉन्सेप्ट है हमारे सवाल का वो है अबाउट सिकल सेल सेलनेमिया सो एक बार सिकल सेल सेलनेमिया के बारे में पढ़ते हैं कि भाई सिकल सेल सेलनेमिया होता क्या है एंड इसके होने का रीजन क्या है तब हम क्वेश्चन को क्रैक करेंगे देखो सिकल सेल सेलिविया जो होती है वो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है ठीक है है बाय म्यूटेशन म्यूटेशन मतलब जब जीन के सीक्वेंस में सडन चेंज आ जाए म्यूटेशन वो भी किस में जीन में और ये वो जीन है दैट कोड्स फॉर हेमोग्लोबिन प्रोटीन हेमोग्लोबिन हेमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है हेमोग्लोबिन हमारे खून में पाया जाता है हेमोग्लोबिन प्रोटीन अच्छा ये, uh, किस किसको अफेक्ट करता है इट स्पेसिफिकली अफेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ होमो हेमोग्लोबिन स्ट्रक्चर को अफेक्ट करता है हेमोग्लोबिन के ठीक है अब हेमोग्लोबिन की अगर बात की जाए तो so ये जो हेमोग्लोबिन है ना इट इज मेड अप ऑफ टू एल्फा चेन एंड टू बीटा चेन ये दो चीजों की मतलब ऐसे मान लीजिए कि चार है जिसमें टू एल्फा चेन और टू बीटा है ठीक है और अगर हम बात करते हैं सिक्कल सेल अनेमिया का म्यूटेशन किस में हो रहा है सो म्यूटेशन इज एक्चुअली जब स्पेसिफिक एकदम म्यूटेशन होगा ना तब ये सिक्कल सेल अनेमिया आता है और एक बार ये बीटा चेन में अगर आ गया चेंजेस म्यूटेशन हो गया तो एच यानी कि जो म्यूटेटेड हमारा हिमोग्लोबिन है ना वो क्या करता है रेड ब्लड सेल्स को रिजिड बना देता है इट कॉजेज द रेड ब्लड सेल्स टू बिकम रिजिड और उसकी वजह से ना एक शेप शेप आ जाती सिकल शेप आ जाती जाती है 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 हमारे आरबीसी में ठीक सो द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन वुड बी चेंज ऑफ अमीनो एसिड इन द बीटा चेन ऑफ हिम हिमोग्लोबिन बाकी ऑप्शन भी कंसिडर कर लेते हैं देखो ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि एल्फा चेन में चेंज आया हो तो एल्फा चेन में चेंजेस uh, नहीं मतलब चेंजेस अगर आ भी जाए तो भी उसकी वजह से सिक्कल सेल अनेमिया नहीं होता सिक्कल सेलिया उस रीजन से नहीं कॉज होता सिक्कल सेल अनेमिया सिर्फ तब होगा जब बीटा चेन में म्यूटेशन आएगी वो भी एक स्पेसिफिक म्यूटेशन होती है फिर सी देखो सी कह रहा है कि बोथ अल्फा में भी और बीटा में भी तो ये भी गलत है क्योंकि हमने क्या बोला सिर्फ बीटा चेन में चेंज आएगा तभी सिक्कल सेल अनेमिया होगा